गोरैया का खाना बीज यानी दाने चुग चुग कर खाती है। उसकी छोटी सी चोंच आराम से दाने उठा लेती है। चोंच का शंकु आकार इसमें काम आता है। छोटी मगर पैनी चोंच और इतनी मजबूत की बीज को आसानी से फोड़ ले। तोता तो अपनी अनोखी चोंच से पेड़ पर लगे फलों को आराम से खा लेता है। कठफोड़वा वुडपेकर क्या करता है देखा है ना? अपनी पैनी चोंच से पेड़ों की लकड़ी में छेद करता है। उसका खाना लकड़ी में रहने वाले कीड़े। शायद इन्हीं को देखकर मानव ने छेनी बनाई होगी। चोंच की बनावट पक्षियों के खान पान के अनुसार होती है। शाकाहारी पक्षियों की चोंच की बनावट फल सब्जियों को नोचने या कुतरने के लिए बन गई है। और इसी तरह फूलों का रस पीने वाले पक्षियों की चोंच फूलों के अंदर से रस निकालने के लिए बढ़िया व्यवस्था है। मांसाहारी पक्षियों की जीवों का शिकार करने वाले पक्षियों की चोंच शिकार पकड़ने और चीर फाड़ करने के लिए बनी है। चोंच छोटी और आगे की ओर मुड़ी हुई, पैनी इतनी कि आसानी से मांस चीर ले। पृथ्वी की सफाई का बड़ा काम करते हैं गिद्ध, वल्चर्स। उनकी चोंच उनके इस बड़े जरूरी काम और खाने के लिए खूब अनुकूलित। पानी से खाना पाने वाले पक्षियों की चोंच पर गौर किया है? बगुले की लंबी चोंच, वो तो मछलियों को पानी के अंदर से पकड़ लेता है। पानी के आसपास रहने वाले पक्षियों की चोंच ऐसी लंबी पतली और पैनी कि कीचड़ में रहने वाले कीड़े और अन्य जीवों को वो पकड़कर खा लेते हैं। बत्तख को तो पानी में ही रहना है, चोंच चपटी और अन्य पक्षियों से काफी अलग। गौर किया है कैसे वो अपनी चोंच पानी में डालकर सिर हिलाती है? इसका कारण है, बत्तख की चोंच के सिरे पर छोटे कंघी नुमा हिस्से हैं। ये लगते तो दांत जैसे हैं, पर पक्षियों के दांत नहीं होते। ये तो विशेष बनावट है जो पानी में से कीड़े और छोटे छोटे जीव छानकर बत्तख की खाने में मदद करती है।